बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा? डरते नहीं मुझे? अच्छा तुम बढ़िया अभी तो भैया क्लैप फॉर यू, क्लैप फॉर यू। छोटे सलमान से बड़े क्या बात है। नालदेहरा पहुंच गए और प्रशांत उतरो। कितना है सर आना जाना भाई जी? 500 500 रुपए पर हेड। नहीं आना, आप यहां से जाएंगे पूरा घूमते हुए साइड से वापस आएंगे। इसमें आता माउंट टेंपल, नागदेवता का मंदिर, गोल्फ कोर्स, एशिया का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स, सप्तगिरी नदी का व्यू, पिकनिक स्पॉट, मूवी का फिल्मों का शूटिंग रहता नहीं, चाली थी हाई स्पीड की, टॉप पॉइंट भीमाकल टेंपल, लवर पॉइंट, चाइना बॉर्डर, हिमालयन रेंज, विलेज व्यू, वैली व्यू, यहाँ से जाएगा पूरा घूमते हुए दूसरी साइड वापस। ये घोड़े खड़े हैं इनके इनके ऊपर भी। अच्छा ये जो घोड़े खड़े हैं गाइस इन पे ले जाएंगे हमें घुमाने के लिए सारे पॉइंट्स। हमारे घोड़े मेरे बैठते घोड़ा चलते बोले भैया प्रशांत के लिए एक तगड़ा सा घोड़ा लगेगा। प्रशांत कह रहे हाथी वाथी नहीं चलते अगर हाथी चलते हैं तो हाथी दे दो इनके लिए। कुछ नहीं है वो लड़का आएगा। चलो हमारा घोड़ा ये दो है कौन से भी हमारे घोड़े ये तुम आगे बैठो बैठ गए दोबारा घोड़ी पे चढ़े आज सेकंड टाइम। ये हमारी हो गई है हॉर्स राइडिंग स्टार्ट और हम चलती हैं घूमने गाइस और बहुत मजा आ रहा है ना प्रशांत? ए 6 किलोमीटर थकोगे भैया लोड पड़ गया इस पे तो तुम्हारा घोड़ा दम ना तोड़ घोड़ा कर ऐसे मत बोलो नहीं बोल देगा बोलेगा भैया हम जा नहीं रहे थोड़ा वजन कम करो थोड़ा बनाने के। खाने को क्या क्या देते हो भैया ने? अच्छा गुड़ खाते हैं ठंड में वैसे भी सही होता है ठंड में वैसे भी अच्छा होता है। अच्छा घी तो इनको चलने में दिक्कत होती होगी भैया। अच्छा अच्छा यहाँ समझ क्या होता है? अच्छा अच्छा नहीं ये गवर्नमेंट क्वार्टर है गवर्नमेंट क्वार्टर्स की। अच्छा तो भैया ये थोड़े से यहाँ पे ये तो फुल होगा तो। अच्छा 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 कॉलेज एरिया में सारे। अच्छा 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 जो कैंपिंग करते होंगे वही लेते होंगे। अच्छा कहाँ पे तुमने सोचा मेरा घोड़ा भाग रहा है? गाइस मैं जा रही हूँ जिप लाइन के लिए और मैंने गेटअप ले लिया है हेलमेट पहन लिया है तो देखते हैं कितना मजा आएगा। यस यहाँ से हमें चढ़ना होगा यहाँ से होगी जिप लाइन स्टार्ट यहाँ से लेके वहाँ तक कितने मीटर की भैया ये 200 मीटर। अच्छा ठीक है यहाँ ना आपके ऊपर
मैं आपको लेग्स पीछे की तरफ रखना है दोनों ऐसे जी, और इसको ना लेफ्ट हैंड को थोड़ा बाहर रखिएगा। अच्छा, हेड को भी आप लेफ्ट साइड में बाहर रखेंगे। रोकने के लिए लास्ट में वहाँ हमारे गाइड खड़े हैं, ठीक है, वो आपको खुद स्टॉप करेंगे। ठीक है जी, ठीक है, आपको सिर्फ एंजॉय करना है। गिरोगे भी तो ऊपर लटक, नीचे लटक जाओगे तो। वो तो ठीक है, पर रिस्क लेना ही है। उसके बाद आप यहाँ पहुँच जाएंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा अबाउट योर एक्सपीरियंस। बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा? डरते नहीं है मुझे से। अच्छा, तुम बढ़िया। अभी तो बोलते भैया, मजा आया? हाँ। कितना बढ़िया, ज्यादा मजा आ गया, ज्यादा एडवेंचर होगा तुम्हारी वजह से। मुझे भी थोड़ा सा एडवेंचर करना पड़ा इसके ऊपर चढ़ के। इसमें हेलमेट नहीं देते? हेलमेट चाहिए भाई। क्यों वो लगाई? तो है सेफ्टी हार्नेस। हो गया, ये तुमने कहा दिखाया। क्लैप फॉर यू, क्लैप फॉर यू। राजा महाराजा तैयार हो रहे हैं। शिमला के राजा। ये पहन ली टोपी। बाय बाय बाय। अब भाग रहे। ओ माय गॉड, धीरे चल ले बेटे, चलने दो, स्पीड इसकी मेंटेन है। ये देखिए गाइस, ये है डेंस फॉरेस्ट, ग्रीन वैली। ग्रीन वैली पर है तो फॉरेस्ट एरिया कहते ग्रीन वैली है इसको। देखने के लिए अरे प्रशांत, टेलीस्कोप से दिखाते क्या होंगे? ज़ूम ज़ूम करके, ज़ूम करके
वही ट्रीज को ज़ूम करके वादियों का नजारा लूटा नहीं। गाइज ये रास्ता काफी घूम घूम के आया है तो प्रशांत की तो हो गई तबीयत खराब, इन्हें लग रहा है वॉमिटिंग जैसा। ये देखिए गाइस शिमला से पहाड़ जिसमें बर्फ है वो भी दिखाई दे रहे हैं काफी दूर से, हमने ये जूम करके ये व्यू लिया, आपको दिखाई दे रहा होगा आगे वाले पहाड़ों के पीछे हैं पहाड़, ये देखिए इन पे बर्फ जमी हुई है, बादल कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये याक पॉइंट है यहाँ पे, ये शिमला में पाए जाने वाले याक है, ये ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में होते हैं। यहाँ से तो कुफरी घूमने के लिए जाना है ना आपको सर, हो जाना है बाइक हॉर्स, यहाँ से हॉर्स पे जाना है 3 किलोमीटर टॉप, कुफरी और शिमला का हाईएस्ट पीक है 11,500 फीट हाइट में जाओगे टॉप, वहाँ पे घूमने वाला पॉइंट रहेगा महेश्वरी टेम्पल है, मासू पीक है, नाथ टेम्पल है, ये पॉइंट रहेगा घूमने का, घोड़े वाला ले जाएगा टॉप पे, गेट के बाहर उतरना है बड़ा सा वैली ऊपर, उसके अंदर ये पॉइंट है घूमने वाला, ये अंदर क्या अपने पैदल में घूमना क्योंकि वैली में अंदर घोड़ा लाउड नहीं है, उसके बाद वैली से आपने 300 मीटर और आगे जाना है 10 से 15 मिनट लगेगा, एप्पल गार्डन आएगा, स्नैप फार्मिंग भी एप्पल गार्डन में अभी एप्पल नहीं लगा होगा बाकी मेंटेन रहता है फोटो वगैरह निकाल सकते हैं, उसके बाद इस पार्क के अंदर जाओगे दाई एक्टिविटी होगा, 6 एक्टिविटी जिसमें रोपे में जिप लाइन है, सिंगल में भी जा सकते हैं आप दोनों लोग साथ में भी जा सकते हैं, 300 मीटर लंबा है, 40 फीट पूछिए एक वैली से दूसरी वैली के लिए ऑटोमेटिक स्लाइड है, इसमें खाली बैठना होता है जैसे चेयर पे बैठे हो आप, दूसरा गेम है बर्मा ब्रिज एंड जंप, बंजी जंप सुना होगा उससे रिलेटिव है, पहले ब्रिज पर होगा तो लैंड में जाकर फ्री फॉल जंप, जंप करना है ऊपर से छोड़ा के लैंड पे कंट्रोल करके, जंप नहीं करना है तो रोप लगा रोप के थ्रू धीरे धीरे ड्रॉप करेंगे, तीसरा गेम है वैली क्रॉसिंग, नॉट क्रॉस करना है लॉन्चिंग की तरह वापसी के लिए पूरा वापस लगेगा, नेक्स्ट लैडर है कमांडो, ये दोनों गेम क्लाइंब वाला, लास्ट गेम है बैलेंसिंग, टोटल 6 एक्टिविटी एप्पल गार्डन स्नैप फार्मिंग विलेज पर हॉर्स राइड, पूरा पैकेज तो इसका वैसे 3200 का पर इसमें डिस्काउंट ये बैठेगा पर पर्सन 1500 में ऑल एक्टिविटी भी आएगा पूरा साइड सीन भी आएगा हॉर्स भी आएगा हमें और जाने के लिए, अगर आपको लगता है कि एक्टिविटी नहीं करना है खाली घूमना घूमना तो साइड सीन का 1000 रुपीज है, उसमें घोड़ा लगाने के लिए महेश्वरी टेम्पल मासूमी टेम्पल फागू वैली शूटिंग प्लेस एप्पल गार्डन स्नैप फार्मिंग विलेज, उसमें घूमने का पूरा आएगा खाली एक्टिविटी नहीं आएगा, इसके अलावा घोड़े से जाते हो रास्ते में 2 जगह एंट्री, एक जगह टंडू में एक जगह 20 रुपीज, बाकी ऊपर टॉप पर टेलीस्कोप रहता है इस तरह का पॉइंट रहेगा ऊपर, अगर कुछ टेलीस्कोप से कुछ देखना है उसमें एक्स्ट्रा चार्ज रहता है, वहाँ जाने का कोई चार्ज नहीं है, वहाँ पर यहाँ तक बाहर तक जा सकते हैं, ऊपर वही जाएगा जिसका जिसका कुछ देखना है टेलीस्कोप से, बाकी ऊपर याद रहता है टॉप पर, अगर याद में बैठना है फोटो निकालने के लिए उसका पैसा लगेगा, बाकी जो भी करना है आपने टिकट बना लो सब नंबर लग जाएगा, बाकी नीचे में कुछ नहीं है खाली घोड़े गाड़ी का पार्किंग। गाइस देखिए ये स्टेप फार्मिंग है जो यहाँ शिमला में होती है, जो हमें पढ़ाते हैं स्कूल टाइम में है ना कि स्टेप फार्मिंग कैसे होती है, ऐसी सीढ़ी बनी होती है इसी पे होती है, ये है ये गवर्नमेंट बोला था ना गवर्नमेंट एरिया, ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, ये वाला एरिया, ये ऐसे स्टेप्स बनाए हुए हैं सीढ़ियाँ इसमें होती है। गाइस ये देखिए हम खाना खाने आए हैं, और कितनी अच्छी लोकेशन है इस कैफे की, ये सामने देखिए विंडो से बाहर माल रोड और इसके ऊपर हमारा ये देखिए माल रोड। और ये हमारा टेबल, ये प्रशांत और ये बाकी का एरिया। आज है हमारा शिमला में day 3 और आज हम जा रहे हैं कौन से वाले हनुमान मंदिर, झाकू टेम्पल से जाएंगे। प्रशांत बताओ हम किससे जाएंगे झाकू टेम्पल, हम ट्रॉली से ट्रॉली से जाएंगे ट्रॉली से, और फिर हम उसकी वीडियो बनाएंगे आपको दिखाएंगे हम कैसे पहुंचे, पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे माल रोड पे जाके फिर उसके बाद में हम टेम्पल जाएंगे। तो ये हमारा लुक देखिए 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 देखिए, आज हम दोनों ने ब्लैक पहना है, ट्विनिंग ब्लैक बस जीन्स अलग हुई। देखिए गाइस शिमला का माल रोड, आज हम अपने थर्ड डे यहाँ माल रोड पे टाइम से आए हैं, अभी दोपहर के 1:30 बजे हैं, अब है यहाँ पे रश, मतलब रात को तो वही 5-6 लोग 10 लोग एक साथ दिखते हैं बस से ज़्यादा नहीं, लेकिन अब बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं शॉपिंग कर रहे हैं। ये झाकू टेम्पल का रास्ता रोपवे तक जाने के लिए, फिर वहाँ से रोपवे से ट्रॉली में बैठ के हम जाएंगे झाकू टेम्पल बजरंगबली के, यहाँ पे झाकू टेम्पल वो टेम्पल है जहाँ पे बजरंगबली जब संदीप ने कुटी लेने गए थे तो उन्होंने विश्राम किया था,
याकू 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 जो मुनि थे वहाँ पे उन्होंने विश्राम किया था उनके पास पहाड़ पे, और अभी उनके यहाँ चरण पादुकाएं हैं बजरंगबली की, तो वहाँ पे मंदिर बनाया गया है। सबसे ऊंची बजरंगबली की इमारत है यहाँ पर शिमला में, और ये आपको दिखाऊंगा जूम करके, ये मंदिर बजरंगबली खड़े हैं, दूर से दिखाई दे रहे हैं माल रोड से। हमें आइसक्रीम खाने का मन कर गया है, तो अब हमने यहाँ पे आइसक्रीम ली है अपने लिए दो, स्ट्रॉबेरी वनीला। चलिए खा के देखते हैं कैसी है, कैसी लगती है। ये ले ली प्रशांत ने मेरी। देखिए गाइस, ये जा रही है ट्रॉली रोपवे के थ्रू, रोपवे से हम जाएंगे झाकू टेंपल, वो बजरंगबली खड़े हैं वहाँ पे। गाइस अब हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ से हम यहाँ पे जाएंगे, तो चलें प्रशांत, चलो लेट्स गो। देखिए गाइस हम पहुँच गए झाकू रोपवे, जैसे हम टिकट लेंगे और रोपवे पे जाएंगे झाकू टेंपल, तो चलिए आप टिकट लेते हैं और झाकू टेंपल चलते हैं, आपको भी रोपवे की मज़े कराते हैं, आप देख ले लीजिएगा, हम बैठ के ले लेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब आपको मौका मिले तो आप भी रोपवे के थ्रू जाइएगा झाकू टेंपल। हमें पहुंच गए हैं रोपवे वाले फ्लोर पे, और अब हम जा रहे हैं रोपवे की तरफ। यहाँ पे शांत खड़े हैं, ओह माय गॉड, सी यहाँ पे फोटो क्लिक करा सकते हैं। चलिए खड़े हो जाइए, आपके लिए दो सुपरस्टार खड़े हैं। वाह यस, थोड़े अमिताभ से छोटे सलमान से बड़े क्या बात है। चलो चलो, अरे चलो चलो, रुक जाओ आराम से। हाँ चलो, शिमला में फूड फेस्टिवल चल रहा है, फूड कार्निवल, चर्च के पास माल रोड पे। यहाँ पे आप खरीद के कुछ भी खा सकते हैं, शिमला का खाना जो भी है। यहाँ पे देखिए पूरा टेंट टाइप लगा है पूरा। हाय गाइस, आज हमारा शिमला में डे फोर है, और आज हमारा चेकआउट है होटल से, और हम रेडी हो चुके हैं। ये हमारा सामान हमने पैक कर लिया है, हम दो बैग लेके आए थे, और ये यहाँ प्रशांत खड़े हैं एकदम रेडी। तो अगर आपको प्रशांत बताइए क्या बोला आपको लास्ट में ब्लॉग के। देखिए शिमला का ट्रिप जो है हमारा बहुत अच्छा रहा, लेकिन हमने ये चीज एक्सपीरियंस करी है, जितना बजट बना के बजट से ऊपर जाती चीजें। सिंगल लड़की का खर्चा मैं सोचता हूँ कम होता है, लेकिन विद फैमिली और खासतौर पे वाइफ हो तो बस क्या कहने। तो हमने आपको अपनी पूरी शिमला की ट्रिप दिखाई, और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।